हेलो गैस, वेलकम टू योर चैनल स्काई फ्रॉम एब्रॉड। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रसिया के एक अच्छी यूनिवर्सिटी एंड लो बजट यूनिवर्सिटी के बारे में, जहां आप आके MBBS कर सकते हैं, जो कि NMC के गैजेट को फुलफिल करता है और NMC लिस्टेड भी है। हाँ जी, तो आइए बात करते हैं कबारदिनो बाल्केरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, फुल डिटेल, वो सिचुएटेड कहाँ पे है, मोड ऑफ टीचिंग क्या है, रूट क्या है वहाँ जाने का, और जो कैपिटल सिटी है रसिया का, जो कैपिटल सिटी है वहाँ से डिस्टेंस क्या है उसका, एक्सेट्रा, हॉस्टल कितने हैं, मेस अवेलेबल है कि नहीं, और FMG पासिंग रेशियो क्या है, जो मोस्ट सीनियर बैच है वो किस ईयर में है या पास आउट हुआ है कि नहीं हुआ है, FMG पासिंग रेशियो क्या है, रिकॉग्निशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, इन सारे बातों में मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ। तो आइए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। कबारदिनो बाल्केरियन स्टेट यूनिवर्सिटी सिचुएटेड इन नालचिक सिटी। ये जो नालचिक सिटी है, इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो ये रसिया के साउथ में पड़ता है। अगर बात करें डिस्टेंस से, मतलब जो कैपिटल सिटी है रसिया का मॉस्को, उससे डिस्टेंस कितना है, तो 1600 किलोमीटर अवे है। अगर बात करें रूट की, तो यहाँ पे डेली बेसिस पे नालचिक के लिए मॉस्को से डेली बेसिस पे फ्लाइट है। नालचिक में अपना एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है सिटी में ही। फ्रॉम मॉस्को टू नालचिक या नालचिक टू मॉस्को डेली बेसिस पे आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। अगर बात करें ड्यूरेशन की, तो 4 आवर इसका ड्यूरेशन होने वाला है। और अगर बात करें कि ये इस्टेब्लिश कब हुआ, कबारदिनो बाल्केरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश इन 1957। अगर बात करें तो ये अप्रॉक्स 60-70 ईयर पुरानी यूनिवर्सिटी है, मतलब ये रसिया की एक पुरानी यूनिवर्सिटी है। हाँ, अगर बात करें कि ये फुल्ली इंग्लिश यूनिवर्सिटी है कि नहीं है, देखिए फुल्ली इंग्लिश मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए अब NMC गैजेट आ गया है, आपको सिर्फ और सिर्फ चूज़ करना है फुल्ली इंग्लिश यूनिवर्सिटी। पहले जैसा नहीं है कि आप बाइलिंगुअल में भी एडमिशन लेके अपना MBBS प्रोग्राम कंप्लीट करके एब्रॉड से और जाके आप नेक्स्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट बता दूँ, नेशनल एग्जिट एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है, पहले MCI होता था लेकिन अब कॉमन एग्जाम हो गया है। मीन्स आप एब्रॉड से भी MBBS कर रहे हैं और इंडिया से भी MBBS कर रहे हैं, तो आपके लिए एक कॉमन एग्जाम होगा जिसको नेक्स्ट बोलेंगे। मतलब इस एग्जाम में सब कॉमन होंगे, सारे ग्रेजुएट्स जो मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं। तो ये जो है कबारदिनो बाल्केरियन स्टेट यूनिवर्सिटी, ये फुल्ली इंग्लिश यूनिवर्सिटी है। रसिया में क्या होता है, 3 टाइप प्रोग्राम होता है, एक फुल्ली इंग्लिश होता है, एक बाइलिंगुअल होता है, बाइलिंगुअल मींस 3+3 ईयर रशियन, 3 ईयर इंग्लिश, और एक सिर्फ रशियन होता है। को कबारदिनो बाल्केरियन स्टेट यूनिवर्सिटी फुल्ली इंग्लिश प्रोग्राम ऑफर करता है। बात करें यहाँ पे करेंटली इंडियन स्टूडेंट कितने हैं, तो देखिए इंडियन स्टूडेंट 500+ यहाँ पे हैं। और अगर बात करें FMG पासिंग रेशियो का, तो देखिए अभी तक यहाँ पे कोई FMG पासिंग रेशियो देखने को नहीं मिला है, नेक्स्ट सेशन से देखने को मिलेगा। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ में अभी तक FMG पासिंग रेशियो देखने को नहीं मिला, लेकिन हाँ ये है कि नेक्स्ट ईयर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो मोस्ट सीनियर बैच है इंडियन का वो है 6th ईयर में। बात करें कि यहाँ पे इंडियन मिस अवेलेबल है कि नहीं, तो जी हाँ, यहाँ पे सबसे अच्छी बात है इंडियन मिस अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो सेल्फ कुक भी कर सकते हैं, अपने एक्सपेंस को बचाने के लिए मैं ये हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप सेल्फ कुक ही करें। और बाकी तो हॉस्टल जो है, हॉस्टल फीस की बात करें तो अप्रॉक्स 12K पर ईयर, मतलब 12,000 पर ईयर जो है हॉस्टल फीस है। इसमें क्या है कि आपको किचन, लाइट, फर्नीचर एक्सेट्रा सब कुछ इंक्लूडेड है। किचन में मतलब ये नहीं है कि एक्स्ट्रा चार्ज है, आप जाके चाहें तो वहाँ सेल्फ कुक कर सकते हैं। बात करें इसके पॉपुलेशन का, तो नालचिक सिटी का जो पॉपुलेशन है वो अप्रॉक्स 3 लाख है। देखिए इंडिया के सिटी से नहीं कंपेयर करना है आपको, क्योंकि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो 5 टाइम ज़्यादा है रशिया से। यहाँ का जो पॉपुलेशन है 3 लाख मैक्सिमम माना जाता है। जैसे यहाँ पॉपुलर यूनिवर्सिटी है क्रीमिया फेडरल, जो सिटी जहाँ पे वो सिचुएटेड है सिम्पेरोफोल में, उसके पॉपुलेशन के सिमिलर ही है। देखिए मैं पॉपुलेशन पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन उतना ज़्यादा पेशेंट का इन्फ्लेक्स। और अगर बात करें तो यहाँ पे पेशेंट इन्फ्लेक्स अच्छा है। और हाँ, आपको कार्डियोवियर प्रोवाइड किया जाएगा डाइसेक्शन के लिए, भले डमी पे आपको प्रैक्टिस कराया जाए, लेकिन आपको कार्डियोवियर प्रोवाइड किया जाएगा अदर्स यूनिवर्सिटी। सॉरी गैस, आप सोचेंगे कि स्टार्टिंग के वीडियो में जो है व्यू है, बैकग्राउंड व्यू वो दिन का है, और अभी जो है नाइट हो गया भाई। देखो उस समय यार थोड़ा सा पर्सनल इशू हो गया था, तो थोड़ा सा वीडियो रुकना पड़ा। ओके गैस, आइए बिना देरी किए हुए कंटिन्यू करते हैं। देखिए मैं स्टॉप किया था कहाँ, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, बजट क्या है कबारदिनो का। सबसे अफोर्डेबल बजट है जो रसिया में कबारदिनो बाल्केरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, सबसे जो लो बजट है रसिया का इस यूनिवर्सिटी का है कबारदिनो बाल्केरियन स्टेट यूनिवर्सिटी। जो इसका पर ईयर फीस है वो है 1.8 लाख रूबल, मींस 1,80,000 रूबल,
ठीक है। और देखिए आप इधर उधर से बहुत ज्यादा सुनेंगे कि यहाँ मेडिकल फीस ये इतना ज्यादा क्या आपका क्यों कम, देखिए ये सब गलत बात है, जो सही है वो सही है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर झूठ को भी 10 बार बोल दिया जाए तो लोगों को सच लगने लगता है। लेकिन अपन जो स्काई फ्रॉम एब्रॉड कंसल्टेंसी का जो फीस स्ट्रक्चर है वो फीस फी सब कुछ जो है वो जेन्युइन है, उससे 1 रुपया ना ज्यादा है ना कम है, ये मैं स्ट्रिक्ट हूँ इस बात से। नेक्स्ट बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, तो देखिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो अदर यूनिवर्सिटी है सेम वैसा ही है, मींस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में 50% एबव होना चाहिए और आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और नीट स्कोर कार्ड होना चाहिए। इन सारे डॉक्यूमेंट्स का स्कैन कॉपी आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, फिर निकलेगा आपका एडमिशन लेटर और फिर होगा आपका एंट्रेंस। और एंट्रेंस देखिए डरने की बात नहीं है, नॉर्मल एंट्रेंस होता है, लगभग लगभग सारे बच्चे पास ही हो जाते हैं। उसके बाद आपका निकलेगा इनविटेशन, फिर बनेगा इंडिया वीजा, फिर आप फ्लाई करेंगे रशिया के लिए। ये हो गया आपका प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और एक और बात मैं भूल गया था कि यहाँ पे हॉस्टल जो है टोटल वो है 14, उसमें से जो 3 हॉस्टल है वो फुल्ली इंडियंस को डेडिकेटेड है। बाकी मैं पहले बता ही चुका हूँ हॉस्टल के बारे में, मेस के बारे में सब कुछ। ओके गाइस, इस समय कबारदीनो बाल्केरियन स्टेट यूनिवर्सिटी का वीडियो बनाने का सबसे बड़ा पर्पज ये था कि एडमिशन क्लोज होने वाला है, सबसे लो बजट में यूनिवर्सिटी है, जल्दी से जल्दी सीट बुक करें। और मैं पहले ही बता चुका हूँ रजिस्ट्रेशन फीस फुल्ली रिफंडेबल है अगर आप नीट नहीं क्रैक कर पाए तो, क्यों, क्योंकि देखिए अगर आप नीट क्रैक कर लेंगे तो फिर आपको सस्ती बजट की यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाएंगी, ये मैं नहीं चाहता। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा बच्चे आप एडमिशन लेटर इशू कराएं, बाकी तो काफी बच्चे करा ही चुके हैं। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।